रूबीना और उनका 5 साल का बेटा समीर दोनों स्वस्थ हैं। समीर 40 फीट नीचे नहर में गिर गया था, उसे बचाने के लिए रूबीना ने भी नहर में छलांग लगा दी थी। यहाँ पर नहा रहा था बच्चा, इधर जा रहा था, एकदम उसके जाने क्या जमी जो उल्टे पांव आया, उल्टे पांव आते ही दगड़े आए तो डायरेक्ट नीचे, फिर उसके साथ उसकी माँ भी सिस्टर भी दोनों एक साथ नीचे, उसको बचाने के चक्कर में वो भी कूद गए थे। हादसे के बाद रूबीना अपने जिगर के टुकड़े समीर को एक पल भी अपने से दूर नहीं होने दे रही। कल बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, मैं पीछे नहा रही थी, बच्चे को गिरते देखा तो इसको बचाने के लिए मैं भी कूद गई। उसके बाद में बच्चा वहाँ पेड़ में लटक गया, उसके बाद में बच्चा नीचे गिरा, मैं भी इसके साथ नीचे ही कूद गई। नहीं, जो आप नीचे पानी में गिरे थे तब होश था क्या आपको कुछ? जी नहीं। किसने निकाला आपको, कौन थे, क्या थे? ये भी पता नहीं मुझे, किसने निकाला किसने नहीं निकाला, मैं कैसे बची। मेरा भाई नीचे पेड़ काट रहे थे, अंदर मंदिर का पेड़ कट रहे थे, मेरे भाई ने इस बच्चे को नीचे पानी से निकाला। रूबीना का परिवार कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में नहर के ऊपरी हिस्से में रहता है। परिवार पेशे से मजदूर है, मकान कच्चा है, लेकिन रूबीना के हौसले मजबूत हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।